नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम राजीव है और आप देख रहे हो फिल्मी ओपिनियन। तो आज हम बात करेंगे डिज्नी हॉटस्टार पर रिलीज हुई अभिषेक बच्चन की नई बॉलीवुड फीचर फिल्म, जिसको ओटीटी प्लेटफॉर्म में रिलीज किया गया है द बिग बुल के नाम से। और जैसे कि आप सभी ऑलरेडी जानते हो कि ये बेसिकली कहानी जो है वो हमारे इंडिया के सबसे बड़े स्कैम स्टार हर्षद मेहता के जीवन के ऊपर आधारित है। तो हमने तो पहले भी ये देखा है कि हर्षद मेहता का जो कहानी है वो स्कैम 1992 बोल के एक वेब सीरीज आई थी और जो उसको लोगों ने बहुत ही पसंद किया था, तो उसी सेम कहानी के ऊपर आधारित है। लेकिन ये कहां से उससे अलग है और इस कहानी को बार बार दोहराने का मतलब भी क्या है, तो इसके ऊपर आज बात करेंगे। और बात करेंगे ये वेब सीरीज, ये पर्टिकुलर फिल्म एक्चुअली में हुआ क्या। तो देखिए, अभिषेक बच्चन बहुत दिनों से कुछ डिफरेंट टाइप के कैरेक्टर्स, डिफरेंट टाइप के रोल्स जो है वो कोशिश कर रहे थे, और करते करते उनके हाथ जो ये वाला फिल्म लगा है, इसका मैं ट्रेलर जब रिव्यू कर रहा था तभी भी मैंने आपको बोला था शायद गुरु के बाद अभिषेक बच्चन को इतना तगड़ा एक्टिंग करते हुए आप देख सकते हो। लेकिन ये जो कहानी है, इस कहानी का आखिर में एक्चुअल सच क्या है। देखिए, टोटल जो ये जो स्कैम है, इस स्कैम को जो ओरिजिनली जिसने पूरा एक्सपोज किया था सुचेता दलाल, जो टाइम्स ऑफ इंडिया की एक सीनियर जर्नलिस्ट थी, तो उन्होंने एक किताब में लिखा है। तो हर्षद मेहता का पुराना जो स्कैम 1992 का जो परिचालक है, जो हर्षद मेहता जो है, उन्होंने कहा था कि उन्होंने पूरा जो किताब है वो किताब को पूरा तरीके से फॉलो किया है। लेकिन यहाँ पे जो दिखाया जाता है वो थोड़ा बहुत उससे डिफर करता है। अब कौन सा सही है कौन सा गलत है, दोस्तों मैंने तो वो किताब तो नहीं, मैंने नहीं पढ़ा है, लेकिन दोनों जगह पे ही वही किताब की मतलब रेफरेंस जो है उसको दिखाया गया है कि उस किताब में जो लिखा हुआ है उनका जो ऑथर है सुचेता दलाल, वही कहानी को जो है यहां पे बयान कर रही है। तो यहां पे जो है नाम वगैरह सब कुछ थोड़ा बहुत इश्यू हो सकता है, इस हिसाब से सबका चेंज किया गया, लेकिन रेफरेंस सारे एकदम सेम है। अब ये जो कहानी का जो अंत है, इस कहानी का जो आखिर में जो टर्न अराउंड है, उसको थोड़ा दूसरा तरीके से दिखाया गया और काफ़ी वो कंट्रोवर्शियल है, क्योंकि स्कैम का जो वेब सीरीज हम लोगों ने देखा था उसमें कहानी इतना कंट्रोवर्शियल आखिर तक नहीं था। तो ये एक बहुत बड़ा चेंज जो है डायरेक्टर ने किया है, और उसका वजह जो है वो आसानी से हम समझ सकते हैं, क्योंकि ये एक बॉलीवुड फिल्म है जो 2 घंटा 20-25 मिनट के लिए चलेगी। तो उसमें जो है कि मसाला फैक्टर डेफिनेटली जरूरी था, तो मसाला फैक्टर को इसमें डाला गया है। और इसमें बहुत सारा और भी चीज़ें हैं, जैसे कि एक उनके लाइफ में, मतलब हर्षद मेहता के लाइफ में जो भी इमोशंस है, जो भी रिलेशनशिप्स है, उसको भी बहुत अच्छा तरीके से इसमें दिखाया गया। हर्षद मेहता का वाइफ के रोल में, जैसे आप जानते हो निकिता दत्त ने काम किया है, तो उनके साथ अभिषेक बच्चन का रिलेशनशिप, उनकी माँ के साथ उनका रिलेशनशिप, उनके भाई के साथ उनका रिलेशनशिप, और परिवार के लिए उतना उनका मतलब वो जो सैक्रिफाइस करते हैं, वो सब चीज को बहुत डिटेल में दिखाया गया, जस्ट टू क्रिएट दैट इमोशनल यू नो मोमेंट्स इन द फिल्म। तो उसको अच्छे तरीके से दिखाया गया है। लेकिन फिर भी क्या ये वो स्कैम की ऊंचाई को छू पाएगा, स्कैम 1992 का ऊंचाई को छू पाएगा, वो एक बड़ी क्वेश्चन बनती है। क्योंकि यहाँ पे अभिषेक बच्चन का एक तो दमदार परफॉर्मेंस तो है, लेकिन उसके अलावा इसमें नयापन कुछ आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा। थोड़ा बहुत कहानी में जो है वो ट्विस्ट तो डेफिनेटली किया गया है, लेकिन कहानी थोड़ा वास्तव से मेरे हिसाब से थोड़ा हटके है। और भी एक मुद्दा जो एक क्वेश्चन मैं सबसे पूछना चाहूंगा, शायद इसका आंसर मेरे पास नहीं है, लेकिन आप लोग इसमें दिमाग लगा सकते हो कि इस एक ही कहानी को बार बार रिपीट क्यों किया जा रहा है। पहला प्रश्न जो है, ये कहानी बहुत सेलेबल है, मेरे हिसाब से ये कहानी बहुत सेलेबल है, तो इसको बार बार इसके ऊपर कहानी वेब सीरीज के तौर पे या फिर फिल्म के तौर पे बनाओ तो ये अच्छा बिकेगी, क्या ये लॉजिक है? या फिर अंदरूनी कोई एक चीज चल रहा है जहां पे हर्षद मेहता को एक हीरो दिखाने की कोशिश की जा रही है, जहां पे उसका जो इमेज है आफ्टर द डेथ, उनका इमेज को क्लीन करने की कोशिश की जा रही है, या फिर और भी कोई कारण इसके अंदर में छुपा हुआ है? ये तो सवाल जो है ये मैं आप लोगों के लिए छोड़ता हूं, क्योंकि इसका जवाब ढूंढना बहुत ही मुश्किल है। लेकिन मुझे एक चीज याद, मतलब मुझे एक ही चीज याद आ रहा था कि प्रतीक गांधी का वो परफॉर्मेंस जो था, हर्षद मेहता का वो जो वेब सीरीज था, वो बनने के बाद इस फिल्म का जो प्रोजेक्ट जो है, मेरे हिसाब से इसको ड्रॉप कर देना चाहिए था, क्योंकि आप सेम चीज बार बार आप नहीं दिखा सकते। शायद ये ना इंसाफी होती अभिषेक बच्चन के लिए, क्योंकि उनको ये दमदार परफॉर्मेंस दिखाने का मौका नहीं मिलता, लेकिन वो दमदार परफॉर्मेंस देने दिखाने के बाद भी ये कभी भी वो आपको वो वाला फीलिंग नहीं दे पाएगा जो 1992 स्कैम रिलीज होने के बाद आपको हुआ था, कि भैया एक बहुत अनोखा चीज हम लोगों ने देख लिया है। और इसको थोड़ा जो है रियलिटी
से थोड़ा हटके बनाने की जो कोशिश की गई है। अजय देवगन ने जैसे एक उन अपने इंटरव्यू में वो बोल रहे थे कि हमें कहानी में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ें मिली है, बहुत ज़्यादा ट्विस्ट मिला है, लेकिन वो ट्विस्ट इतना ज़्यादा यहाँ पे दिखाया गया है तो थोड़ा बहुत ये आपको रियलिटी से कनेक्ट आपको नहीं लगेगी, कहीं कहीं पर आपको लगेगी ये बॉलीवुड फिल्म है और बॉलीवुड फिल्म के जैसे ही इसमें ट्रीटमेंट दिया गया है। तो एक ही चीज़ बोलना चाहूँगा दोस्तों, मेरे प्रेडिक्शन के हिसाब से ये फिल्म जो है ये OTT पर रिलीज होकर काफ़ी अच्छी हुई है, क्योंकि इसको शायद बॉक्स ऑफिस में रिलीज करने के बाद उतना रिस्पॉन्स ना मिलता जितना मिला वो एक्सपेक्ट कर रहे थे, तो ये काफ़ी अच्छा डिसीजन है। अभिषेक बच्चन का दमदार परफॉर्मेंस सब कुछ होने के बावजूद भी ये एक एवरेज फिल्म के हिसाब से मेरे हिसाब से रह जाएगी। तो दोस्तों यही था मेरा कैम, टू बी ऑनेस्ट द बिग बुल देखने के बाद इनिशियल रिएक्शंस, इसके ऊपर बहुत सारा डिटेल में बात हो सकती है, इसका सारे मेकिंग के ऊपर, जैसे कि हम आपको बोल सकते हैं कि उस टाइम का जो मतलब प्रोडक्शन डिज़ाइन जो किया गया है, उस टाइम फ्रेम को जिस हिसाब से पकड़ा गया है, पुराना गाड़ी वाड़ी, पुराना मकान या फिर मुंबई का पुराना लोकेशंस, या फिर आप बोल सकते हो कि क्लॉथिंग्स वगैरह जो दिखाया गया वो अभी हम लोग आदि हो चुके हैं वो सब देखने में, तो वो अभी वो नयापन लगता नहीं है उसमें, तो अभी हम लोग यही एक्सपेक्ट करते हैं कि यही होगा, तो वही हुआ है दोस्तों। लेकिन फिर भी मैं आपको यही बोलूंगा कि ये एक एवरेज वेब सीरीज, एवरेज फिल्म के ऊपर जा नहीं पाएगी। तो दोस्तों अगर आपने नहीं देखा है तो डिज्नी हॉटस्टार में ये अवेलेबल है, तुरंत जाके इसको देख लीजिए, देखने के बाद मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको कैसा लगा, और मेरा ये रिव्यू अगर आपको अच्छा लगा है तो इस रिव्यू को डेफिनेटली लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं आपके साथ मेरा अगला वीडियो में, उससे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और तब तक के लिए अलविदा।